23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, 23 करोड़ करोड़ 20 लाख के करीब होंगे। जुलाई में जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं और 45 साल की उम्र के लोगों में 30 करोड़ है, उनको 30 करोड़ वैक्सीन कहां लाएंगे जुलाई में, जब आप 13.2 करोड़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, आप तमाम का HT News चैनल में खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक और गैर जरूरी लेक्चर, जहां पर मोदी ये दावा कर रहे हैं कि वो मुल्क की सारी आवाम को मुफ्त टीका लगाएंगे, लेकिन अफसोस नरेंद्र मोदी इस वैक्सीनेशन मुहिम को यकीनी बनाने में नाकाम रहे। नरेंद्र मोदी ने इंसानों की जान और पॉलिटिक्स में सबसे पहले पॉलिटिक्स को चुना। क्या इन्होंने सिर्फ दूसरी रियासतों की तौहीन करने के लिए ही लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई है, जबकि सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि मुल्क वैक्सीनेशन की इतनी बड़ी किल्लत से गुजर रहा है, तो फिर वो कहां से सारी आवाम को टीका लगा पाएंगे। अप्रैल के महीने तक टीकों की तैयारी के लिए कोई पैसा भी खर्च नहीं किया गया। यहां पर सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तमाम VIPs को 25% कोटे के साथ ये वैक्सीनेशन दस्तियाब है, जबकि गरीबों के हिस्से में सिर्फ झूठे वादे और इंतजार ही आ रहा है। मोदी ने सिर्फ वक्त पर तमाम फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेटेड करते हुए खुद को मुबारकबाद भी पेश कर दी, और उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान बहुत सारे ममालिक में इस मामले में सबसे बेहतर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट के जरिए इस पर अपना रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे भी कर रहे हैं, इन्हें भी उम्मीद जाहिर की कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पेश है HT News चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। हर ताज़ा वो अहम खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। HT News चैनल आपको रखे सबसे आगे। देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वक्त खराब किया, बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा TV पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में U-turn लेना पड़ा, इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर ये ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश सभा में आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको U-turn लेना पड़ा। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। प्रधानमंत्री की सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट को 9 मई को एफिडेविट में बताती है कि जुलाई के खत्म होने तक सीरम 6.5 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, भारत बायोटेक 5.5 करेगा और स्पुटनिक 1.20 करोड़। तो इन तीनों को मिला लीजिए वो 13 करोड़ 20 लाख के करीब होंगे। जुलाई में जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं और 45 साल की उम्र के लोगों में 30 करोड़ है, उनको 30 करोड़ वैक्सीन कहां लाएंगे जुलाई में, जब आप 13.2 करोड़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस फ्रंटलाइन स्टाफ में, जिसका प्रधानमंत्री ने अपने आप को मुबारकबाद दे दी, वाह वाह अपने आप की खुद कर ली, उसमें से सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन लगा है। तो देश के प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पॉलिसी में देश को सच नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हालत मजबूरी में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री हमको ये क्यों नहीं बता रहे कि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों रोक रहे हैं आप? प्रधानमंत्री इस VIP कल्चर के आदि हो चुके हैं क्या? एक गरीब को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और जो दौलतमंद है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ले लेगा 1400 रुपए 1500 रुपए देकर। तो ये सवालात हैं जिसका जवाब देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री देंगे, प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वक्त खराब किया सबका। देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज 2014 में, भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था, 60% के आसपास था, और हमारी दृष्टि में ये बहुत चिंता की बात थी।
जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ 5-6 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गई। 60 से 90, यानी हमने वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों का भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीब की चिंता थी, गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिन्हें कभी टीका लग ही नहीं पाता था। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं, दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है विश्वासेन सिद्धि ही, अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पर चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सीरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। साथियों, क्या हुआ आपका कारोबार आजकल ठंडा चल रहा है? शायद कारोबार से ज्यादा वो तबर टिल्लू करने से पैसे ला। 2 हफ्ते से पिरा रहा टिल्लू तबर को। अरे भाई, आज भी टिल्लू पैसे नहीं दिया। ये टिल्लू की तो गाड़ी निकालो। अरे गाड़ी तो सर्विसिंग को देना भाई। अरे भैया, तो कैब से चले जाओ। अरे ये कैब के पीछे में आधा आधा घंटा खराब नहीं करता। हो भाई, कहाँ जाना है बोल के कैंसिल भी कर दे रहे हो। टॉक बोल के एक नई कंपनी लॉन्च हुई, टॉक बोलो और चलो। कैब हो, ऑटो हो या बाइक, एक काम करो, जल्दी से एक ऑटो बुक करो। कई को बोले तो टिल्लू के गलियां पतले हैं। टॉक आधा, अरे इतनी जल्दी आ गए तुम। कंपनी क्षमा से कमीशन नहीं ले रही तो अच्छी सर्विस देना हमारा फर्ज है। आइए सवारी तैयार। चलो। टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब बाइक और ऑटो राइड, अब बिना किसी कंपनी को कमीशन दिए अपनी गाड़ी खुद चलाइए। टॉक बोलो और चलो। ऑरेंज पंच, क्लियर लेमन पंच, Lemon Booster Punch, Cloudy Lemon Punch, Jarama Solid Punch, Green Apple. I love you, Lisa. For booking call 7989-766-7667 or 855-880-9912.